बारह ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। यहाँ ओम शब्द की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसलिए हर धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम शब्द के साथ किया जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में संकट पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में किया जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजन विशेष महत्व है। तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं, अन्यथा वे अधूरे ही माने जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओंकारेश्वर में अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिणी व उत्तरी तटों पर मंदिर हैं। पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिरों और आश्रमों से भरा हुआ है। कई मंदिरों के साथ यहाँ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान है। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दोनों शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग माना गया है। यहाँ पर्वतराज विंध्य ने धार तपस्या की थी और उनकी तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना कर कहा कि वे विंध्य क्षेत्र में स्थिर निवास करें। उसके बाद भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। वहाँ एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में बटी है। इसी प्रकार से पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई है उसे ही परमेश्वर अथवा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहती हैं। ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ये ज्योतिर्लिंग है, यहाँ महादेव शयन करते हैं। भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण करने के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। भक्तगण एवं तीर्थयात्री विशेष रूप से शयन दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भोलेनाथ के साथ यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और रोज रात में यहाँ 64 पांसे खेलते हैं। यहाँ शयन आरती भी की जाती है। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज 64 पांसे की बिसात सजाई जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रात में गर्भगृह में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो वहां पांसे उल्टे मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत ही रहस्य है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की गुप्त आरती की जाती है, जहाँ पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। पुजारी भगवान शिव का विशेष पूजन और अभिषेक करते हैं।